मेरे को 2017 से पहले बस यही भांगड़े पता था। इस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, चंद्र विहार विकासपुरी में, तो बैले का वहाँ पे किसी को आता पता नहीं है। बस मेरे पिताजी की एक कंडीशन थी कि हाँ भाई पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम डांस कंटिन्यू करो। मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी ई रिक्शा ड्राइवर है। मैंने मूवी देखी थी ABCD एनीबॉडी कैन डांस 2017 में, और उसी मूवी में मैंने मिस्टर फर्नांडिस सर को देखा जो मेरे टीचर हैं अभी। मैंने देखा कि हाँ भाई ये पॉइंट पे डांस कर रहे हैं और ये जंप्स कर रहे हैं, टर्न्स कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत ही डिफरेंट लगा बाकी डांस फॉर्म से, जो बॉलीवुड हिप हॉप और भंगड़ा से। तो एक दिन मैंने ऑफिस में कॉल किया और ट्रायल के लिए पूछा, तो ट्रायल फ्री था। मैंने कहा अगर ट्रायल फ्री है तो चलो ट्राई करते हैं। तो उसके बाद मैं ट्रायल गया और क्लास में जैसे घुसा तो वहाँ पे फर्नांडो सर थे, जो मैंने टीवी में देखा था वही क्लास दे रहे थे मेरे को। तो मैं बिगिनर बैच में गया था स्टार्टिंग में 17 साल की उम्र में, और 17 साल की उम्र आई थिंक पहले डांसर के लिए काफ़ी लेट है। मेनली जो पहले डांसर होते हैं वो 6 से 7 एज की उम्र में स्टार्ट करते हैं पहले डांस। तो उस लेवल पे जाने के लिए मैंने क्वांटिटी ऑफ आवर बढ़ाए, और जैसे उसके बाद 2 ईयर ट्रेनिंग के बाद मिस्टर फर्नांडिस सर ने बोला ट्राई करते हैं, एक ऑडिशन है रशिया में सेलेक्ट हुआ मैं वगानोवा बैले अकेडमी में। तो इंडिया की तरफ से आई थिंक मैं पहला इंडियन मेल डांसर हूँ जो रशिया में परफॉर्म किया मैंने, और वहाँ पे कोर्स अटेंड किया। और कोर्स के बाद जो जो बेस्ट डांसर होता है, बेस्ट डांसर की एक परफॉर्मेंस होती है मेन परफॉर्मेंस, तो आई वो उसमें कॉम्पीट करके मेरे को वो मेन ड्रॉ मिला आर मान वेरिएशन का। कोर्स खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोर्स हमने डिसाइड किया कि लेट्स अप्लाई फॉर स्कूल्स, बिग स्कूल्स। तो हमने सभी जो ऑडिशन थे सबको अप्लाई किया, वीडियो भेजी और परफॉर्मेंस की वीडियो भेजी, या फिर हमने वेट किया कि यहाँ पे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया इस टाइम पे। मैं तो डर भी गया था कि यहाँ पे ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था। फिर एकदम से सडनली इवनिंग में ईमेल आए कि हाँ भाई यू गॉट सेलेक्टेड इन इंग्लिश नेशनल बैले स्कूल, और ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड में से 10 बॉयज़ को सेलेक्ट किया है जिसमें से इंडिया से मैं हूँ। जैसे मैंने ईमेल देखा था तो पहले तो मैं बहुत ही खुश हुआ, और साथ में थोड़ा मैं ज़्यादा दुख भी हुआ मुझे कि हाँ भाई जो इसकी फीस थी वो काफ़ी महंगी है, 8,000 पाउंड, जो कि इंडिया के अराउंड 7 to 8 lakh है। मैं जितने जो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी ई रिक्शा ड्राइवर हैं और पार्ट टाइम वो कभी मंजी भी बनाते हैं, तो हमारे पिताजी दिन में 300 या 400 रुपये कमाते हैं। और हमारे घर में मेरी मम्मी है, मेरे भाई बड़ा भाई है और छोटी बहन है, उन दोनों की पढ़ाई भी है। हमारे IBC की बैलरीना हैं, उन्होंने बताया कि फंड राइजिंग के लिए ये ऐप हो सकता है। 25 लाख का हमारा गोल है और हम 16 लाख के अराउंड हमने अचीव कर लिया है। स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि हम इतना फंड राइज कर पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ भी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए, कैटो के तरफ से मेरी ID है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को डोनेट कर सकते हैं आप। मेरा तो ये एम है कि वहाँ पे पहले जाके पहले अपना डिप्लोमा पास करूँ और वहाँ के कंपनी इंग्लिश नेशनल पहले इस कंपनी में डांस करूँ, वहाँ पे वहाँ का प्रिंसिपल डांसर बनना ये मेरा ड्रीम है, और वर्ल्ड में डांस करना, पूरे वर्ल्ड वाइड में डांस करना ये मेरा ड्रीम है। और उसके बाद मैं इंडिया में जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको मैं फ्री ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, और अपने माता पिता को ई रिक्शा चलाना नहीं करना देखना नहीं चाहता मैं उनको, और ज़्यादा ई रिक्शा चलाते हुए उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। जो हम डांसिंग करते हैं ये सबसे अलग है, ये ऐसे नहीं कि हाँ भी बीच पे डांस कर रहे हैं हम और आ रहे हैं, ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, हमको रूल्स को फॉलो करना होता है। इस पर हम म्यूज़िक पे नहीं, हम पियानो पे डांस करते हैं, पियानो पे। बाकी जो मेन परफॉर्मेंस होती है वो हम ऑर्केस्ट्रा पे डांस करते हैं, लेकिन क्लास हमारी पियानो पे ही बेस होती है।
क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,